गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करेंट अफेयर। ठीक है, इसमें पढ़ा है 26 आज है 25 जनवरी और हम पढ़ेंगे 24 जनवरी की डेली करेंट अफेयर। इसमें पहला पॉइंट है प्रसिद्ध पुरातत्व कला इतिहासकार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति नागा स्वामी का क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, ये तमिलनाडु सरकार के क्या थे, पुरातत्व विभाग के निदेशक के रूप में पहले कार्य करते थे। ठीक है, इन्हें कैलमणि पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार जीते। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी मास्टर पीस ऑफ अर्ली साउथ ऑफ इंडियन भोजन्स। ठीक है, इन्होंने ये लिखी और इसके सहित कई पुस्तकों को लिखा था। फ्रेंड, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आज वीडियो थोड़ी दिक्कत हो रही है तो जल्दी जल्दी बता रहे हैं। ठीक है, पूर्व मिस यूनिवर्स। ठीक है, क्या पूर्व मिस यूनिवर्स क्या नाम है इनका, सुमन, सॉरी सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन द्वारा, सुष्मिता सेन द्वारा इंडियन इंटरनेशनल एसोसिएशन। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ वार्किक द्वारा वुमेन अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित वुमेन अवार्ड से। सम्मानित किया गया। ठीक है, इनको वुमेन अवार्ड से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये वुमेन अवार्ड से सम्मानित क्यों किया गया, क्योंकि इन्होंने आर्या टू में, ठीक है, आर्या टू टीवी शो में एक अभिनेत्री का किरदार, ठीक है, किरदार निभाया। ठीक है, इसके लिए इस चीज़ को इन्हें एक महिला अभिनेत्री का क्या निभाया, इन्होंने किरदार निभाया। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है, अभिनेत्री का किरदार निभाया। ठीक है, ये इन्हें किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया इन्हें साउथ एशियन, साउथ एशियन फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ठीक है, अवार्ड के रूप में क्या हुआ, इन्हें दिया गया। ठीक है, साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ठीक है, और ये कहाँ का होता है, ये होता है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, कनाडा एक्सेट्रा, मतलब ये चार देश तो इसके क्या है, प्रमुख है। ठीक है, जिस जहाँ पे क्या होता है, ये साउथ इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होंगे। आप 10-10 लोगों को जोड़िए, ठीक है, दो दो एक एक दो दो को जोड़िए आप। ठीक है, फिर एक एक दो दो से फिर एक एक दो दो को और जोड़ेंगे वो। ठीक है, वीडियो को लाइक बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो लोग रह गए हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं डेली करेंट अफेयर लूसेंट पढ़ना चाहते हैं, आप अच्छा से रिस्पॉन्स दीजिए, हम आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, बिल्कुल वीडियो भी कहीं से भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट आपके छूट जाएंगे। ठीक है, लूसेंट में भी और यहाँ पे भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है, जितने लोगों को आप जोड़ सकते उतने लोगों को आप जोड़ें। ठीक है फ्रेंड्स, भारत दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, क्या हुआ, भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा ककड़ी और खीरा निर्यातक बन गया। ठीक है, क्या हुआ, भारत वर्ल्ड का ककड़ी और खीरा निर्यात सबसे बड़ा ककड़ी और खीरा निर्यातक बन गया। ठीक है,
क्या हुआ? भारत वर्ल्ड का ककड़ी और खीरा ने सबसे बड़ा ककड़ी और खीरा निर्यातक बन गया है, ठीक है। भारत ने अप्रैल अप्रैल से अक्टूबर 2020 से 21 तक, ठीक है, के दौरान, इसके दौरान इन्होंने 144 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। 144 मिलियन 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या किया, व्यापार किया। इसमें इन्होंने 1,23,000 मीट्रिक टन क्या किया, मीट्रिक टन निर्यात किया, ठीक है। ककड़ी मकड़ी का, ककड़ी और खीरे का क्या किया इन्होंने, निर्यात किया, ठीक है। खीरा वर्तमान में, ठीक है, खीरा वर्तमान में कहाँ कहाँ भेजा जाता है, USA, फ्रांस, रूस, कनाडा एक्सेट्रा, 20 से अधिक देशों में क्या हुआ भेजा जाता है, ठीक है। 20 से अधिक देशों में क्या हुआ ये भेजा जाता है, ककड़ी को 20 से अधिक देशों में भेजा जाता है। गणतंत्र दिवस पर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करना भूले, जो लोग लाइक और शेयर नहीं करेंगे वीडियो उतनी ही कम मिलेगी, ठीक है। गणतंत्र दिवस की परेड में 26 जनवरी को, जो कि 26 जनवरी को है, ठीक है, दिल्ली के राजपथ पे ठीक है, गणतंत्र दिवस की परेड जो कि 26 जनवरी दिल्ली के राजपथ पर होनी है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, इसमें परेडों की संख्या कुल कितनी होगी, कुल संख्या 16 होगी, ठीक है, कितनी होगी 16 होगी, ठीक है। और इसके टाइम पीरियड में भी कुछ चेंज किया, और ये परेड कितने बजे से होगी, 10 AM से 10:30 AM तक शुरू होगी, ठीक है। मतलब एक तरीके से इसका बताया गया कि परेडों में कितनी 16 परेडें शामिल होगी, जिसमें परेडों में 10 बजे से 10:30 बजे तक क्या होगी ये शुरू होगी, ठीक है, इन परेडों में, ठीक है। इन परेडों में क्या है, सैनिकों की संख्या को विशेष ध्यान रखा गया है, सैनिकों की संख्या में क्या हुई इस बार कटौती हुई है, कितने सैनिक लेंगे, पहले लेते थे 144 अब लेंगे 96, ठीक है। क्या हुआ इसमें, सैनिकों की संख्या की भारी कटौती हुई है, ठीक है। और इसमें कितनी झांकियां निकलेंगी, इसमें 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 21 झांकियां निकलेंगी, ठीक है। कितनी केंद्र शासित प्रदेशों की, केंद्र शासित और राज्य की कितनी 21 झांकियों के रूप में निकलेंगी, जो उनके राज्य को दर्शाएंगी, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, ठीक है, स्किप ना मारें बिल्कुल, ठीक है, वीडियो पूरी देख के जाएं। जो आपके फ्रेंड्स हो जो करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हो उन लोगों को भी ऐड करा दीजिए, शाम को इसमें लूसेंट की भी क्लास मिलेगी, ठीक है। क्या हुए, रतन टाटा द्वारा, ठीक है, रतन टाटा द्वारा ठीक है क्या हुआ, रतन टाटा को 24 जनवरी को, कितनी 24 जनवरी को कहां पे, असम में, ठीक है,
24 जनवरी को असम के सर्वोच्च नागरिक क्या हुआ, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से क्या किया गया, इन्हें सम्मानित किया गया किसको, रतन टाटा को 24 जनवरी को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। इसका नाम क्या था, इसका नाम था असम वैभव, असम वैभव। इस पुरस्कार का नाम क्या है, असम वैभव पुरस्कार का, असम वैभव पुरस्कार का क्या हुआ, सम्मान सम्मानित किया गया, और किसके द्वारा किया गया, असम के राज्यपाल द्वारा, असम के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, असम के राज्यपाल क्या नाम है इनका, जगदीश, मुखी। ठीक है, क्या नाम है, जगदीश मुखी। ठीक है, और इनको कहाँ पे दिया गया, इनके गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी में इस पुरस्कार को दिया गया किसके द्वारा, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी द्वारा, गुवाहाटी में, गुवाहाटी में टाटा ये क्या, ये क्या थे, गुवाहाटी में टाटा सन्स के, सन्स के पूर्व अध्यक्ष को पुरस्कार दिया। ठीक है, एक तरीके से कहने का मतलब कि इनके एक तरीके से गुवाहाटी में टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष को इस चीज़ का पुरस्कार दिया गया, जिसको रतन टाटा को एक तरीके से सम्मान के रूप में दिया गया। और क्यों दिया गया, इनको इसलिए दिया गया क्योंकि कैंसर उपचार क्या है, कैंसर के उपचार सुविधाओं की स्थापना, सुविधाओं की स्थापना में इनका क्या था, इनका योगदान बहुत था, योगदान के लिए। ठीक है, कैंसर के उपचार में सुविधाओं की स्थापना में इनके योगदान के लिए इस पुरस्कार को इनको दिया गया, किसको दिया गया, रतन टाटा को इस पुरस्कार को दिया गया। नागरिक विमान महानिदेशालय ने क्या किया, कोलकाता पर, कोलकाता के सुभाष चंद्र सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा पर क्या किया इन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, क्या इंटरनेशनल, इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर क्या किया इन्होंने, नागरिक नागरिक विमान महानिदेशक ने कोलकाता के क्या किया इन्होंने, 10 लाख रुपए का, कितना, सॉरी 20 लाख रुपए का, 20 लाख का जुर्माना, 20 लाख का क्या किया, जुर्माना लगा दिया। ठीक है, किसके द्वारा लगाया, नागरिक विमान महानिदेशक द्वारा कोलकाता के सुभाष चंद्र बोस के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पे इतना 20 लाख का जुर्माना लगा, ये जुर्माना क्यों लगा, लगे रख रखाव, क्या है, रख रखाव की अपेक्षा,
कर, सुरक्षा मापदंडों, सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन करने पर। उल्लंघन, उल्लंघन करने पर, ठीक है, क्या सुरक्षा मापदंडों का करने पर, उल्लंघन करने पर इस मापदंड इस इन पे क्या किया, 20 लाख का जुर्माना लगाया गया, ठीक है। और कोई सर है इसमें? फ्रेंड्स बस इसकी लास्ट वीडियो थी आज, नहीं पॉइंट थे इम्पोर्टेंट। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।